स्टडी में आपका स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे हिंदी संस्कृत शिक्षण विद्या की। तो हमने भाषा के तीन कौशल पढ़ लिए हैं, जिसमें श्रवण, भाषण, पठन, और ये चौथा है आपका लेखन। ठीक है, चलेगा। तो आज हम बात करेंगे लेखन कौशल के बारे में। लेखन का अर्थ क्या होता है? लिखना सा क्या होता है? लिखना। और कब लिखेंगे? शब्द लिपि पूर्वक लिखित व अभिव्यक्तिकरणम, यानी शब्द जो लिपि पूर्वक लिखते हैं, यानी शब्दों को लिपि पूर्वक लिखकर उनको अभिव्यक्त करना। यानी उसको क्या होता है कि जो बोल नहीं सकते वो क्या करते हैं, अधिकतर लिख करके अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करते हैं कि भाई मुझे ये चाहिए कोई चीज़, यानी लिख करके अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करना। उद्देश्य क्या है? वही है पठितस्य लिखित्वा अभिव्यक्ति, यानी पढ़े हुए को लिख करके अभिव्यक्त करना। ठीक है, चलेगा। आगे बात करते हैं। देखिएगा, अपने मनुत्व को लिपि रूप से संप्रेषित करना, यानी आपके जो भाव है, आप जो कहना चाहते हैं, किसके माध्यम से? लिख करके अभिव्यक्त करना। भाषा के स्वरूप को स्थायित्व प्रदान किया जाता है। यहाँ वर्तनी का महत्व है, बिल्कुल। किसका महत्व है? वर्तनी का महत्व है, यानी भाषा के स्वरूप को स्थायित्व प्रदान किया जाता है और वर्तनी का विशेष महत्व होता है। बिल्कुल, लिपि है तो वर्तनी का महत्व तो होगा ही। अब देखो उद्देश्य क्या है, चलो उद्देश्य के बारे में चर्चा कर ही लेते हैं। उद्देश्य है कि अक्षर शब्द वाक्य स्वरूप का ज्ञान, अक्षर शब्द वाक्य स्वरूप का ज्ञान भावों को लिपिबद्ध करके स्थायित्व प्रदान किया जाता है और पढ़े हुए विषय को लिखित रूप में अभिव्यक्त करना, बस यही है। अब बात आती है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, लेखन कौशल की विधियाँ। कौन कौन सी विधियाँ हैं लेखन कौशल की, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहली विधि आती है अक्षर स्वरूपानुकरण पद्धति या रूपरेखानुकरण पद्धति। ठीक है, चलेगा। टीचिंग मेथड की बात हो रही है। पूर्व प्राथमिक की श्रेष्ठ विधि है, पूर्व प्राथमिक स्तर की श्रेष्ठ विधि अक्षर स्वरूपानुकरण पद्धति या रूपरेखानुकरण पद्धति। नाम से पता चल गया होगा, बात यहाँ पर अक्षर की होगी। जब हम छोटे थे तो देखो, पहले स्लेट लेकर जाते थे, तो स्लेट के ऊपर मास्टर जी कुछ लिखते थे तो हम उसके ऊपर लिखते थे, तो वही चीज़ है ना। ये देखो, जैसे कि हमने ये मैंने लिख रखा है कमल, है ना, इसके ऊपर जैसे हम बचपन में थे तो ऊपर नहीं लिखते थे, ऐसे कमल है ना, तो वो कमल। यानी पूर्व प्राथमिक व प्राथमिक कक्षा है तो उपयोगी वर्कबुक में छपे, देखो आपको पता है वर्कबुक आती है मार्केट के अंदर, जिसके अंदर ऐसे बिंदु लगे रहते हैं, तो बिंदु के ऊपर बच्चा क्या करता है, लाइन बनाता हुआ आकृति निर्धारित करता है या आकृति बनाता है ना। देखो, छपे वर्णों की बिंदु माला पर पंक्तियों के द्वारा जुड़ाव करके वर्णों का लेखन करता है, ठीक है, जो कि सार्थक क्या होता है, रुचि करता है, यानी बालक को रुचि उत्पन्न होती है और बालक आनंद महसूस करता है। चलो भाई आगे चलते हैं। अगली विधि है दस्ट लेखन विधि या जैक टॉक विधि। बिल्कुल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है इसके बारे में कि जैक टॉक पद्धति क्या है। क्या है जैक टॉक पद्धति? ये नाम आता है भाई, जैक टॉक टॉट, ठीक है, वो जैक टॉक खुला वो मत लिख देना। यहाँ पर देखिएगा, दस्ट लेखन विधि या जैक टॉक पद्धति, तो देखो और लिखो विधि। ये क्या है? देखो और लिखो विधि। एक और इसके बारे में जब हमने पठन कौशल के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ पर वहाँ पर भी आई थी देखो और लिखो विधि, है ना। ये प्राथमिक स्तर की श्रेष्ठ विधि है। किसकी? प्राथमिक स्तर की है, क्या है? श्रेष्ठ विधि। अध्यापक के द्वारा लिखे गए शब्दों का अनुकरण करके छात्र लिखता है। अध्यापक के द्वारा शब्दों का अनुकरण करके छात्र लिखता है या पुस्तक में देखकर छात्र अभ्यास करता है। यानी ये विधि तो सेम हो गई पठन कौशल में भी और लेखन कौशल में, ठीक है। देखो, श्याम पट पर लिखते समय अध्यापक विशेष ध्यान रखे। देखो, अध्यापक के लिए सलाह है कि क्या ध्यान रखना है। एक तो श्याम पट कौशल की महत्वपूर्णता होनी चाहिए और असुविधा कम होनी चाहिए। मास्टर जी थोड़ा आप साफ लिखें और जिससे बच्चों को स्पष्ट समझ में आ सके। विराम चिन्ह आदि का ज्ञान हो जाता है, बिल्कुल। इससे देखो, देखोगे और लिखोगे तो क्या होगा, विराम चिन्ह का ज्ञान हो जाएगा। जो बोर्ड पर लिखा है वो हम छाप देते हैं। देखो, कभी कभार क्या होता था कि मास्टर जी जो कुछ बोर्ड पर छापते थे, हम बिना सोचे समझे अगर वो कल का लिखा हुआ तो वो भी साथ में छाप देते थे,
क्योंकि वहाँ पर हमारा ध्यान नहीं रहता था अधिकतर, है ना। तो वही है कि छापने का अर्थ ये देखो और लिखो, मतलब आप एक एक चीज़ का वहाँ पर ध्यान रखते हैं कि भाई चंद्रबिंदु कहाँ लगाना है, कोमा कहाँ लगाने हैं, तो उसलिए महत्वपूर्ण। अगली विधि अभी श्रुत लेखन विधि, उक्त लेखन विधि, या देखो श्रुतिलेख। श्रुतिलेख नाम सुना होगा, जब हम 7th क्लास 6th क्लास 8th क्लास में थे तो देखो मास्टर जी क्या करते, एक डंडा ले लेते और फिर कॉपी कह देते भाई बच्चों आ जाओ बाहर आ जाओ मैदान के अंदर बैठ जाओ कॉपी लेकर आ जाओ, और फिर वो बोलते रहते, फिर हम लिखते रहते लिखते रहते, फिर चेक करते, जैसे ही थोड़ी गलती हुई गंगाराम जी से 2-3 शॉट पड़ते, ये लो और करोगे गलतियाँ। तो वही श्रुति लेख है यहाँ पर, है ना। श्रुति लेखन विधि यानी उक्त लेखन विधि या उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक स्तर की श्रेष्ठ विधि है। उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक स्तर की क्या है ये श्रेष्ठ विधि है, श्रुति लेखन विधि। अध्यापक के पदों या वाक्यों में, देखो अध्यापक के पदों या वाक्यों को सुनकर लिखना, तो वही है श्रुति लेख। अध्यापक मध्यम गति से वाचन करें, बिल्कुल आराम से वाचन करें, कहीं जाना है नहीं। वाक्य या पद पाठ्यपुस्तक से ही हो, बिल्कुल पाठ्यपुस्तक से ही वाक्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उर्दू के वाक्य लिखाना शुरू कर दो, किसी पंजाबी शुरू कर दो, ऐसा नहीं, जो आप पढ़ा रहे हैं वही होना चाहिए। विराम चिन्हों को ना बोले बल्कि छात्र उन्हें समझने का प्रयत्न करे। ऐसा नहीं कि विराम चिन्ह भी बोलते रहोगे, अब आप कोमा लगाओ अब खड़ी पाई लगाओ, नहीं। पालक को स्वयं विवेक से लगाना देना चाहिए कि भाई खड़े पाई कहाँ लगानी है, कोमा कहाँ लगानी है, ये बालक को पता होना चाहिए, ठीक है। माध्यमिक ध्यान रखना, उच्च माध्यमिक और माध्यमिक स्तर की श्रेष्ठ विधि यही है। छात्र स्वयं भावानुकूल, देखो भावानुकूल विराम चिन्हों का प्रयोग करें, ठीक है। चलो आगे चलते हैं साहब, अगली विधि आगे स्वतंत्रानुकरण विधि उच्च स्तर के लिए उपयोगी है सर। कौन सी स्वतंत्रानुकरण विधि, जो कि उच्च स्तर की विधि है। शिक्षक श्याम पट पर लिखता है, छात्र उन्हीं अक्षरों को उनके नीचे लिखता है, वही है। मास्टर जी बोर्ड पे लिखे, फिर बच्चों को बुलाया चलो ये नीचे लिखो, तो लिख देता है, जिसे बोलते हैं स्वतंत्रानुकरण विधि। मॉन्टेसरी विधि या मॉन्टेसरी विधि, ना मॉन्टेसरी विधि या मॉन्टेसरी विधि, बिल्कुल यह भी इम्पोर्टेंट है, इसके क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। यानी नेत्र कान और हाथों के प्रशिक्षण पर बल, यानी नेत्रेंद्रिया यानी आपके जो इंद्रिया है, तो इन पर ये ज़्यादा बल देती है कि भाई इनको प्रशिक्षण करो भाई। पहले श्याम पट पर अक्षरों पर अंगुली संचालन, फिर उन्हीं पर पेंसिल से अनुवर्तन करवाया जाता है। पहले आप श्याम पट पर जाओ और जो जो मास्टर जी बोल रहे हैं उस पर अंगुली करो, अंगुली मतलब अंगुली से अंगुली निर्देश करते हुए आपको बताओ भाई मास्टर जी क्या क्या पढ़ा रहे हैं। फिर आप पेंसिल से अनुवर्तन करवाया जाता है कि भाई कॉपी में उठाओ अब पेंसिल से लिखो। चलो भाई लेखन कौशल के विकास के उपाय, देखिएगा अध्यापक अधिकाधिक श्याम पट का उपयोग करें, बिल्कुल बोर्ड का प्रयोग करो, मास्टर जी बोर्ड का प्रयोग करें। गृह कार्य के अतिरिक्त अन्य विषय पर लिखने का अभ्यास छात्रों को करवाया जाए, ठीक है। गृह कार्य तो है ही, बाकी आप गृह कार्य के अलावा अन्य विषय पर भी लिखिए, जिससे कि आपकी लेखन शैली का विकास हो सके। छात्रों को मित्रों के बीच संस्कृत भाषा में पत्र व्यवहार हेतु प्रेरित किया जाए, बिल्कुल लेखन कौशल का संस्कृत भाषा में बहुत बड़ा योगदान है, तो बिल्कुल आप पत्र व्यवहार के माध्यम से भी आप सीख सकते हैं भाई, गलत पत्र व्यवहार मत कर देना, ठीक है चलेगा। तो आज हमने क्या पढ़ा, बाकी हम अगले वीडियो में शिक्षण विधि पढ़ेंगे, तो तब तक के लिए हम, अरे कहाँ चला गया, चलेगा रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा था भाई लेखन कौशल, बिल्कुल शब्दों को लिपिपूर्वक लिखकर अभिव्यक्त करना, तो इनके बारे में हमने पढ़ा था। फिर पहली जो विधि थी अक्षर स्वरूपानुकरण पद्धति या रूपरेखा अनुकरण पद्धति, तो देखो चित्र से पता चल गया होगा कि भाई बच्चों को पहले देखो पूर्व प्राथमिक बच्चों के लिए उपयोगी है, वर्कबुक के अंदर जो छपे हुए अक्षर होते हैं तो उन पर पेंसिल फेरते हुए या कलम के माध्यम से सिखाते हैं। दृष्टि लेखन यानी देखो और लिखो विधि थी। फिर श्रुतिलेख तो वही है कि भाई मास्टर बोलता है आप लिखते जाओ, और जो कोमा है जो चिन्ह वगैरह है आपके स्वयं विवेक के अनुसार लिखो। फिर स्वतंत्रानुकरण विधि तो वही है, श्याम पट पर लिखता है और बालक उन्हें नीचे लिखता है। मोंटेसरी वही है, कान नाक देखो इंद्रियों पर प्रशिक्षण पर बल देती है मोंटेसरी, मारियो मोंटेसरी, है ना। पहले श्याम पट पर अक्षरों
पर अंगुली संचरण, फिर उन्हीं पर पेंसिल से अनुवर्तन करवा जाता है। और विकास की बात की हमने, लेखन कौशल के विकास के उपाय, तो अध्यापक अधिकाधिक श्यामपट का प्रयोग करें और गृह कार्य के अतिरिक्त अन्य विषयों पर भी ध्यान दें भाई। और छात्रों को मित्र मतलब छात्रों को मित्रों के बीच संस्कृत भाषा में पत्र व्यवहार हेतु प्रेरित किया जाए। चलेगा दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताया, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।